आज हम बनाएंगे आटे का खस्ता कचौड़ी। ये मैंने आटा ले लिया, सॉल्ट ऐड किया, अजवाइन, 2 स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंथ लिया है मैंने। इसको ढक के रख देंगे। एक पैन में ऑयल लिया, धनिया जीरा डाला, डालूंगा उसके बाद लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लिया था मैंने, ये उसको ऐड कर दिया। इसको अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अब इसमें मैश किया हुआ आलू, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले में अच्छे से इसको मिक्स करना है कंटिन्यू चला के। फिर इसमें सॉल्ट ऐड किया मैंने, धनिया डाला, धनिया को मिक्स किया। कचौड़ी मसाला मेरा रेडी हो गया है। या एक लोई ले लिया है, हल्का से बेल लेंगे, उसमें मसाले को डालेंगे। ऐसे इसको प्रेस करते हुए चारों तरफ से बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको धीरे से निकाल लेंगे। ऐसे राउंड राउंड कर देंगे, ऐसे फटता नहीं है कचौड़ी। और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, अच्छे से ये कचौड़ी रेडी हो गया है। ये आलू में गर्म हो गया है, अब इसमें कचौड़ी तल लेंगे। इसको उलट पलट के अच्छे से फ्राई करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हल्का ब्राउन हो गया है, ये ब्राउन हो गया है, ये रेडी हो गया है कचौड़ी। ये कचौड़ी में बन के रेडी हो गया है आटे का खस्ता कचौड़ी। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।